नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद जिला में नशीले पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ जिला पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान को काफ़ी कामयाबी मिल रही है। पुलिस ने नशा तस्करी करने वाले 3 आरोपियों को काबू किया है, जिनके कब्जे से 2 किलो 140 ग्राम अफीम बरामद की गई है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों को हिरासत में ले लिया। नशे के बाजार में पकड़ी गई अफीम की कीमत लाखों बताई जा रही है। जिला पुलिस के DSP अजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस टीम हाईवे पर गश्त कर रही थी। इस दौरान हिसार से एक तेज गति से आ रही गाड़ी को रोककर जब उसकी तलाशी ली गई तो कार से एक लिफाफे में अफीम बरामद की गई। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को काबू कर उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ कर रही है। पलपल फतेहाबाद से राजेश फांकू की विशेष रिपोर्ट। तो मुखबर ने उनको बताया कि कोई अफीम की बेगन राजस्थान से टीम रख दिया है, जिस पर उन्होंने नाका लगाया और चेकिंग के दौरान उनको 3 व्यक्ति जो राजस्थान के रहने वाले थे उनकी गाड़ी की तलाशी की, 2 किलो 140 ग्राम अफीम बरामद की, जो यहाँ एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करने के बजाय गए, जिसमें से एक दिनेश नामक व्यक्ति है उसका भी पुलिस रिमांड ले ली और उससे सोर्स का पता लगाने का प्रयास किया। बाजार में तो ये पता नहीं सारे लेकिन ने ये 2 किलो 140 ग्राम हमारी टीम द्वारा कर लिया है। SP साहब द्वारा मादक पदार्थ के खिलाफ चलाए गए ये अभियान का एक हिस्सा है, जिसमें उन्होंने बार बार सख्ती दे दी इलाके में कोई भी गैर कानूनी चीज़ें नहीं।